Welcome students. So this is our seventh class, okay, part seven of class first. In this class I will teach you the uses of has, have and had, okay. How we will use has, have and had, when they are used, okay. So now I'm telling you has. Has is agree. Has agrees with singular subjects. Okay. Has and had दो तरीके से होते हैं. इनका use as main verb भी किया जाता है और helping verb भी किया जाता है. लेकिन अभी हम अपने as a main verb use करेंगे. Has have का मतलब होता है होना. किसी चीज का हमारे पास होना, उसके लिए हम has और have का use करते हैं. और had जो है वो has और have की past form है. यानी कोई चीज मेरे पास अभी है तो ये हैज और हैव होगा, और कोई चीज मेरे पास थी लेकिन अब नहीं है तो वो हैड होगा. ठीक है किड्स, सो व्हाट इज हैज? हैज इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस. हैज इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस. ओके, इट मीन्स किसी चीज का हमारे पास होना. आपको पता ही है हमने विच इज आर सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट एंड
एनी अदर नेम, कोई भी नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन और ये ही शी इट थर्ड पर्सन, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम्स, प्लूरल नाउन्स, वो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। आई सिंगुलर भी होता है बट इन प्रेजेंट टेंस आई ऑलवेज एक्सेप्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द ओके विद हिम विद इट। आई डजंट अग्री विद द सिंगुलर वर्ब्स इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट टेंस आई ऑलवेज अग्री विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। सो हियर आई हैव रिटन हैव, ओके। नाउ यू, वी, दे, ओके, यू, वी, दे एंड आई, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउंस, आप इनके साथ में क्या लिखेंगे? इनके साथ में आपको हैव लिखना है, ओके किड्स। एंड ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन, वो कोई नेम भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउंस, ये किसके साथ ऐड होंगे? इनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ लगेगा हैज। तो सो किड्स, दिस इज द यूजेस ऑफ दिस, दीज आर द यूजेस ऑफ हैज। नाउ वी विल डू सम मोर सेंटेंस टू प्रैक्टिस दिस। ओके, राम डैशर इट इज सिस्टर, राम के, राम की एक बहन है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हैज और हैव, और ऑब्वियसली वी विल यूज हैज। तो हमारे पास किसी चीज का होना या हमारा होना यही हैज और हैव बताता है। आई हैव टू आईज, मेरी दो आंखें हैं। वी हैव वन नोज, हम सबकी एक नाक होती है, ठीक है। वी हैव वर्ल्ड, हमारे पास एक दुनिया है। वी हैव, ऐसे ही हम कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं। आई हैव अ बॉक्स, मेरे पास एक बॉक्स है। शी हैज अ बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स है। दे हैव अ बॉक्स, उनके पास एक बॉक्स है। तो हैज और हैव का ये मीनिंग होता है। अब हम सीखते हैं हैड। तो किड्स, हैड का यूज आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। यू कैन यूज हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स और ऑल नाउंस, वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, ओके, बिकॉज इट कम्स इन पास्ट टेंस। इट कम्स इन, इट बिलोंग्स टू past tense, okay kids, ये past tense से belong करता है, that is why ये किसी form में रहता है, और किसी form में रहते हुए सारे subjects के साथ हम इसे use कर सकते हैं। For example, when I lived in Kolkata, जब मैं कोलकाता में रहता था, ये past की बात हो गई ना, जब मैं कोलकाता में रहता था, आई आई हैड अ, राइट, हैड इज द राइट आंसर, आई हैड अ डॉग। इट मीन्स अब नहीं है उसके पास डॉग, पहले था, जब वो कोलकाता में था तब उसके पास एक डॉग था, अब नहीं है, ओके। हैड का मीनिंग है कि कोई चीज हमारे पास पहले थी बट अब नहीं है, ओके। She had a
bicycle. She had a bicycle in her village. उसके गांव में उसके पास एक बाइसिकल है. शहर में नहीं है, गांव में थी ना, उसके पास गांव में एक बाइसिकल एक साइकिल थी. For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.